ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले। हेलो दोस्तों, 25 तारीख को रिलीज हुई पठान, जो कि काफी विवादों से भरी हुई थी। एक तरफ लोग इसे बॉयकॉट करना चाहते थे, पर एक तरफ इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ही दिन में 57 करोड़ की कमाई करने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई। KGF 2 का भी रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। आपको बता दें, KGF 2 की एडवांस बुकिंग में भी पठान ने बाजी मार ली है और शाहरुख खान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, ऋतिक रोशन, अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े सितारे इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में गए हुए हैं। इसके बाद शाहरुख खान ने अपनी भाषा में जवाब देते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं इन हवाओं से हिलने वाला नहीं हूँ। जो इस फिल्म का कलेक्शन रहा है, उसे देखकर बॉयकॉट गैंग भी एक कोने में छुप गई होगी। इस बात को देखकर लगता है कि बॉयकॉट करने वाले कुछ ही चंद लोग थे, जो कि शाहरुख खान के फैंस के आगे धाराशाही हो गए और फिल्म पठान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक पठान देखी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।